हम तुम्हारा कसूरवार है, तुम्हारा दिया हुआ कसम हम तोड़ दिया, पर हम क्या करता। 6 साल तक हम तुम्हारा खामोशी और इसका मासूमियत को देखकर सुलगता रहा। दिन रात हमको एक ही डर खाता था कि आने वाले कल में जब इसको सच्चाई का पता चलेगा तो इसका मासूमियत बदला का जज्बा में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसका वास्ते आज हम इस कहानी को खत्म कर दिया। बाबा बाबा, कौन सी कहानी?
14 महीने का 60 1,50,000 रुपए का होता है, तो महीने का कितना हुआ बोल? 90 यानी 90 रुपीज। राइट, 90 रुपीज। साला कमाने का एक दमड़ी नहीं और गवाने का 90 रुपीज। अरे रेस, डोंट वरी, बी हैप्पी। एक आज पटके में सब हिसाब चुकता कर देगा। पर कभी कभी जब ही अपन वर्ल्ड क्लास डांसर बने। आओ इधर इधर, इच ढाबे का जगह पे 5-star होटल बनेगा। महीने में खाली एक टाइम डांस करेगा, बस 1,000 से लेकर 10,000 तक का टिकट होएगा, ने भार लिखाएगा हाउस फुल ठगाई। ये इच ना, पर कब तक ऐसा चलेगा? एक भरोसा था कि कॉलेज का डिग्री मिलेगा तो काम आगे बढ़ेगा, पर आज उसका भी फैसला हो गया। तुम लोग का जिंदगी जीरो से शुरू था और जीरो ही रहेगा। नहीं टीनी नहीं, जीरो के आगे 3 फिगर लगा दो, गंगू गैरी निहाल, जीरो का वैल्यू बढ़ जाएगा। तुम तो बात ही मत करो, इधर भी जबान चलाता है उधर भी जबान चलाया, प्रिंसिपल से झगड़ा किया ना, फोकट का स्कॉलरशिप मिलता था अभी वो भी गया हाथ से। टीनी, ऐसी तालीम को भी लेकर क्या करना जिसके इस्तेमाल से दिमाग खोखला हो जाए। खाली डायलॉग से लाइफ नहीं बनता है क्या? तुम लोग को क्या जरूरत था बीच में बोलने का? चुप नहीं रह सकता था तुम लोग? मैंने तो यही सीखा है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अरे दो किताब कानून का क्या पढ़ लिया है तू? समझता है कि अखा दुनिया का ठेका तेरे कुछ मिला? मैं तो दिव्या को बोल दी ये कुछ नहीं करने वाला, करेगा तो इतना तेरे साथ बैठ के बीड़ी सिगरेट पिएगा, एक एक दम मारेगा, बस खलास, ये ले पी। दिव्या तेरी बातों में नहीं आने वाली, वो जानती मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला। बड़ा आदमी बनेगा? माय फुट, कॉलेज सर्टिफिकेट पे बैड रिमार्क्स, पॉकेट में दमड़ी नहीं। अरे बड़ा आदमी बनने के लिए पॉकेट में दमड़ी नहीं, खोपड़ी में अक्कल की जरूरत होती है। और इससे एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, निहाल सिंह। सही है, एकदम सही है ब्रो, मेहनत करे इंसान तो हर चीज आसान। ए जाना जाना, दिमाग मत पका, एक तो पहले एनर्जी नहीं है, एक भाई है, हट, ये तो पहले से ही गॉन केस है। मैंने सोचा था आप लोग मिल गए हो तो आप दोनों मिलके इसको सुधार दोगे, पर तुम लोग तो इससे भी डबल निकले। अभी तुमको देखो ना, तुम कितनी मेहनत करता है, रोज निकलता है गैरेज में काम करने के वास्ते, पर आज तक कपड़े पे एक काला दाग तक नहीं लगा है। इधर आने का, खाने का, पीने का, मस्त कर लेके सो जाने का। आजीबाई गब्बस गब्बस गब्बस, क्या है ना के अपना इतना लंबा चौड़ा लफड़े वाला सपना नहीं, अपन मामूली आदमी, एक छोटा आदमी, और इस छोटे से आदमी का एक छोटा सा सपना, और उस छोटे से सपने में इस छोटे से आदमी का एक छोटा सा घर, और उस छोटे से घर में एक छोटा सा आंगन, और उस छोटे से आंगन में छोटे मोटे टिल्लू मिल्लू पिल्लू है, और उस छोटे से टिल्लू मिल्लू पिल्लू के बीच एक छोटी सी माँ, सनम सनम। वो तो तेरे से चिढ़ती है और तू समझता है तेरे को लव करती है? अरे आज नहीं तो कल करेगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, जाएगी कहाँ, मेरे हर सांस में सिर्फ एक ही नाम है, सनम 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 सनम। हाय, अच्छा लगा। क्या वही जो अभी अभी? अगर तू अपने मुंह से बोल देती ना कि तेरे को भी पसंद आया तो अपन को जरा भी पसंद नहीं आता क्या कि अपनी गर्लफ्रेंड अपन गंगू 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 मत मार मत मार सनम 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 प्लीज प्लीज इतने प्यार से मेरा नाम मत ले सनम। तू अपने दिल की बात अपनी जुबान तक ला क्यों नहीं सकती? तू बोल क्यों नहीं सकती कि तू मुझसे के मैं के वो? देख बोलना भी नहीं चाहिए। कौन सी बात कौन सी बात कौन सी बात? अरे वही बात रे, वही कि तू मुझसे मैं मोहब्बत, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड आपको भी चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड और चाहते क्या हो? I'm a fighter.
आए क्यों लहराए तेरे बदन में कैसा नशा है। चाय पीने आओगे? बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। मैं जानता हूँ मैं अच्छा लगता हूँ। दुलकर, हेलो। पहली मिठी मुलाकात का पहला मीठा तोहफा। प्रकाश।
मछली जल बिन मछली नृत्य बिन मछली सनम बिन गंगू तड़पता आहा तड़पता है फिल्मी ये क्या बात हुई दिल की बात बोलो तो फिल्मी और फिल्मी हुआ तो क्या हुआ दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे गंगू चाय चाय हाँ चाय दो चाय दो चाय दो चाय शायद समझ गया एक मिनट कब कब क्या शादी शादी अरे अरे इसके बाद तो शादी होगी ना बाबा गंगू ए शब्बो अपन का भिड़ू गंगू ए गंगू ये अपन का माल है क्या बाबा आजकल बहुत चाप लाए ना बाबा एक से एक नगीना उठाए बाबा ये अंदर चलना अंदर केबिन में चुम्मा चाटी धमाल इंग्लिश स्टाइल में लेंगे यार ये टाइम देख टाइम है कुत्ते तेरी भाभी है वो साहब चाप समझता सबको वो साहब अपना बिल तो देके जाओ साहब देता हूँ ना यार अरे कल भी आप देखे नहीं गए कभी देता हूँ एक सेकंड रुक ना जा रही है तेरे को समझ में नहीं आता अबे तू मेरी सनम 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 मेरी बात तो सुनो सनम सनम भी सनम एक मिनट देता हूँ बोला तेरे को अभी नहीं है मेरे पास समझ नहीं है देता हूँ बाद में ये मच्छी रख ये मच्छी रख अबे जा रही भाभी तेरी जा रही है क्यों रे शाने पहले किधर था रे तू गुलाबा चिंचपोकली माहिम या अंदर अंदर आप क्या बोल रहे हैं हवलदार साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है नहीं समझा समझाता है तेरे को आथर रोड नासिक या येलवाड़ा कितना महीना काट के आया था रे तू अरे क्या काट के आया तो आपकी भाभी चली गई और आप बोले काट के आया शाना नहीं बनने का अपने साथ में हाँ मैं भी बोचो की कब पानी पिएगा हाँ साला पूरा खाता ऑटोमेटिक बाहर निकलाएगा अरे मगर प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम खाली भुगत ये किसका है अरे ऐसी सड़ेली घड़ी आपको नहीं लगता ये दिख रहा पैदा इतना बड़ा अपने पास ये भी मान रहा है अरे रहने दे अरे पानी दे दिया देखा भाई सेंटी में रिस्क क्या कर रहा हूं हाथ का मालूम उंगली से निकल गया छपर फाड़ के दिया था गटर में गया चलो 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 ना होगा अरे अब्दुल क्या लफड़ा है यार देख अब्दुल ये बैंड बॉक्स कौन है पॉकेट मार है घड़ी मारा अभी तेरे नहीं मारा मैंने अरे देख तू कौन है अबे अब्दुल भाई यार सलाम ये माल मेरा है ये माल मेरा है तो मेरा माल मिल जाएगा देख रोकड़ा है उधार है अरे हफ्ते में मिला लेना हाँ। तेरा हाथ भारी और मेरा हाथ खाली ये नहीं चल रहा तू नहीं सुधरेगा यार तू ठहर इधर साला बड़ा चिपको आदमी है पुलिस खाते को लगी हुई कीड़ा ही है कुछ माल है क्या तेरे पास माल बालक पैसा नहीं अपने पास ये सड़ीली मच्छी है चलिए मच्छी ले चले जा आ जा ये ले ये क्या ये मच्छी मांडवली समझ के ले मांडवली तू साला मेरे को समझता नहीं यार अगले टाइम हिसाब अपन चुकता करेगा ना यार देख हाँ, अगले टाइम मैं बोलूंगा नहीं अब्दुल हाँ, जाता हूँ मछली लेके क्या घड़ी आई है अब्दुल हाँ अपन का नाम तेरा गंगाधर गंगो ये घड़ी क्या घड़ी उंगली का कमाल हाथ का सफाई पॉकेट मार हाँ तो फिर क्या होगा पॉकेट मारा तो तेरे को बचाना नहीं तो तू भी अंदर घड़ी भी अंदर सही बात ताली परेशान कर रहा था हाँ वो तो उन लोग का सिस्टम है सिस्टम का प्रॉब्लम अब्दुल बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अरे यार भाई भी बोलता है शुक्रिया भी बोलता है बम्बई का पुराना डायलॉग नया बात बोलना क्या बोलूं क्या बोलता है मोहब्बत में चाय पिलाएगा चाय चाइनीज खिलाऊंगा चाइनीज बस भाव यही अपनी छोटी सी दुनिया ये टीनी और वो उसका बिन हड्डी का भाग गैरी जिसके बारे में बोला था वो दिव्या और उसका खोपड़ी मास्टर निहाल
बस बहुत लोग हैं यार। सही है, शुक्र है अल्लाह। ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बोलते क्या है? इसको यार वो नूडल, नूडल। ये दिखता है देख कैसा है, लेकिन अच्छा है। सच्ची अच्छा है कि ऐसी मेरी फिरकी ले रहा है? नहीं सच्ची अच्छा है बहन, मैं बार बार तेरे को बहन बोलता है, तेरे को गुस्सा नहीं आता? अरे तू बहन बोलने के लायक नहीं होता ना, तो गंगू अपने को तेरे से मिलाता ही नहीं। इसकी नजर में जो परफेक्ट वो सबको मंजूर, खलास। अभी जैसा गंगू गैरी निहाल वैसा तू। अरे जब इसे गैरी निहाल सुन रहा हूँ, कहाँ है वो लोग? अरे यहाँ कहाँ गए वो लोग, क्या बोलकर गए? बोलकर तो गए थे जिम खाना जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। जिम खाना? मेरा आगे पीछे कोई है कि नहीं? है ना, ऑल इंडिया रेडियो में लता मंगेशकर। लता मंगेशकर? उसका गाना सुन के दिल को तसल्ली मिलती है यार। और दूसरा पोपट वाला। ये पोपट वाला कौन रे? वो रास्ते के किनारे बैठता है ना किस्मत पढ़ने को पोपट के सहारे, उसको जाके बोलने का अपना दो बीवी है, माँ बाप है, बच्चा नहीं होता, बस शुरू हो जाता है। पहली को लेके इस दरगे पे जाओ, दूसरी को लेके हाजी मलंग पे जाओ, चद्दर चढ़ाओ, फुल टाइम पास, चवन्नी टिकाओ, वो भी खुश अपन भी खुश। क्या आइटम है यार, कभी कभी अच्छा लगता है यार, अपना भी कोई है ऐसा वहम हो जाता है। सलाम अब्दुल भाई। सलाम। ए छोकरा जल्दी इधर आ और ये सब साफ कर। कुछ भी बोल, गोल मत मारा तूने, पहले कहाँ खेलता था रे तू? दुनियादारी ने सिखाया लात कैसे मारने का। अरे ये तूने क्या किया बुढ़िया? चल मौसी चल चल चल। नहीं तो किसको? देखो कितने टाइम बोला काम मत कर मत कर, फिर भी तू करती है। क्या जरूरत है तेरे को काम करने की? मैं कमा के देता हूँ ना, मैं कमा के देता हूँ ना। अरे पन एकली घर में बैठे बैठे कंटाला आता है कि नहीं हा? और मेरे काम करने से तो पैसे भी आ जाते हैं। अरे तेरे दो पैसे से क्या अपना गाड़ी और बंगला बनेगा क्या? आई तूने अपने हाथ की हालत देखी है? गट्टे पड़ गए गट्टे, ये देख देख के मेरा सर फटता है, मेरा सर फटता है रे। अब तेरे को क्या चाहिए आई? 6x12 का घर, एक छोटा सा झोपड़ा, सुक्की दाल रोटी आई, सुक्की दाल रोटी। अब मैं भी कहीं डल गया रे, दो मिनट घर में आराम करने को आता, उसमें भी तेरा चिक चिक पिक पिक, चिक चिक पिक पिक, चिक चिक पिक पिक। और तेरी चिक चिक पिक पिक से मेरे बाल
सफेद हो गए उसका क्या? हरी रात को आके पाँव दबा दिया, बस हो गया। अरे पाँव से ज्यादा मेरे दिल में दर्द होता है, उसका सोचा कभी? अरे तेरे दिल में क्या दर्द होता है, मेरे को बोलना तू। अरे गाड़ुआ, दिल का दर्द मतलब तू जो लाके देता है उसमें बचता बचता कुछ नहीं, खाली खाओ और पाँव पसार के सो जाओ। अरे मेरे को नहीं लगता तेरे बच्चे को खिलाओ, तेरे बाइकों को सोने के दागिने दू, तेरी सुखी परिवार के आशा में आपकी जिंदगी निकाली मैंने, बर्तन मांजना तेरे को इतना बड़ा किया काय के वास्ते? इसके वास्ते, इसके वास्ते। अरे मालूम है, तूने मेरे को भांडी मांज मांज के इतना बड़ा किया ना, लेकिन अब ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तेरे को तो मजा आता होगा ना कि लोग मेरे पे हंसे, मेरे पे थूके, कितना बड़ा घोड़ा हो गया, लेकिन माँ से अभी भी भांडी, दूसरे लोगों का छोटा बर्तन धुलाता है, गार्डन का काम कराता है, गार्डन का काम कराता है। तो तेरी दुनिया के बाप का जाता है क्या? अरे जा के बोल, बर्तन धो के हाथ काला करती, इज्जत बेच के मुंह काला नहीं करती। चुप, जाके बोल तेरी दुनिया को, तू काबोली का छोकरा है, धंधे वाली का नहीं। सारे साहब, तेरे को जो करने का तू कर, मैं मर गया तेरे लिए, मैं मर गया तेरे लिए, जा मैं मर गया तेरे लिए, जा। ओयो तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ, साला झूठ बोलता है। मम्मी किधर है? अरे कहाँ आई? बेटा कौन है ये? मेरी माँ। आई मम्मी? ओ मम्मी, मम्मी मम्मी देख मम्मी, मैं तिनी गैरी की बहन, ये गैरी का भाई तो ये मेरा भी भाई, तू इसकी माँ तो मैं तेरी बेटी, नहीं समझी? अरे मैं समझाती हूँ, तो चल चल अंदर जा सामान पैक कर। अरे चल माँ, तू नहीं समझती ऐसा मत कर। अरे काय का झोपड़ा माँ, वो कौन सा महल है? तू चल ना, हम लोग के साथ आएगा बड़े घर का झोपड़ा। अरे नहीं माँ, ये झूठ बोलने की तो मैं तुम्हें पहले ही नहीं कर। अरे सुन तो मेरी बात, तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ साला। ए समझाओ ना तुम लोग इसको। ए क्या रे बगा, अपना घर सब लोग का घर, अपनी बहन सब लोग की बहन, और तेरी माँ खाली तेरी माँ? कोड़िया बगा साला। बेटा शर्म आती है उसे, काम वाली हूँ ना मैं। अरे काम वाली तो क्या, माँ तो है ना। ए अभी क्या बैटरी डाउन हो गई तेरी, ये चुप काय को है? माँ का एक्सक्लूसिव राइट लेके बैठा है तू क्या? अभी पोजिंग कर रहा है उधर बैठ के दिलीप कुमार के जैसा, उधर आने का ढाबे में खाया पिया कुछ भी डकार मार के बैठ गया मस्त एकदम। हम लोग क्या इधर आइटम लोग है क्या? एक अपन कचरे के डिब्बे के बाजू में पैदा हुआ, अपन को मालूम भी नहीं अपना कोई है भी या नहीं, सबको खाला फूफी बोल के जिंदगी निकाला, माँ बोलने का चांस पहली बार मिल रहा है। चल ऐसे तू ही मेरी ऑल इंडिया रेडियो, चल। गंगू, जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिला, खुशी गम दुख दर्द, हमने सब कुछ बांट लिया, क्या मां नहीं बांट सकते? तू हमें मां के लायक नहीं समझता या अपनी दोस्ती के? बोल। ऐसी बात नहीं है, सामान में अकेले बंद। यार अब उसका प्लान तो सुनना, एकदम बेकार। अरे देख बंबई में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, जूते घिस जाते हैं, फटेला जूता मुंह पे आके पड़ता है। अबे इज्जत तो नहीं किसी की, और वैसे भी जूते घिस जाएंगे तब अच्छा मन नहीं घूमेंगे। से सलाम करेगा तो बोलेगा चमचागिरी, कॉलर पकड़ के बात करेगा तो बोलेगा हक मांगता है। यार अभी भी मेरा प्लान सुना ना यार। मेरे प्लान में बुआ आती है। काय की? लफड़ेबाजी। हाँ लफड़ेबाजी में पैदा होने वाले का काम भी लफड़ेबाजी का होएगा ना, जैसे कि अपन कभी इज्जत का रोटी खाया ही नहीं। माँ है, टीनी है, दिव्या है, खाना बनाएंगे, बर्तन मांजेंगे, तुम ऊपर करके सो जाना। ए अभी काय को जल रही है तुम्हारी? रिश्ते में अटक गया यार, रिश्ते में अटक गया। तुम लोगों से प्यार हो गया इसलिए बोलता हूँ, फटाक से 10 मिनट में 6,000। 6,000? 6,000? ये जो बुड्ढा है ना, उसको कंपनी काम से निकाल रही है। उसने आइडिया लड़ाया, बोला ऐसा कुछ करेगा तो कंपनी सोचेगी कि बुड्ढे में दम है। उसने मेरी मदद मांगी, मैं बोला ठीक है चलो करेंगे मदद, उसमें क्या है, चल बैठना बैठना। बिड़ू कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? अपने को ये काला कंडी का धंधा पसंद नहीं है। अरे इसमें कोई लफड़ा नहीं है, अरे दोस्ती के लिए। ये दोस्ती हमने, अरे यार दोस्ती में यार
उसने गेरी को दिया, गेरी ने गंगू का, गंगू ने तेरे को, तूने मेरे को, मैंने उसको वापस दिया, उसने कंपनी को दिया, कंपनी खुश, वो खुश, अपन खुश, क्या प्रॉब्लम? अरे मुझे इस बात में कोई दम नहीं लगता। अरे कंपनी कैसे मान जाएगी कि आदमी कसूर है? कंपनी से क्या करने का, अपने को माल मिल गया बस। शॉर्टकट में बोलना, करने का क्या यार? अरे कुछ नहीं यार, देख गुरुवार के दिन वो बैंक के बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकले अबे जाना मगर हड्डी के। कुछ नहीं होगा, डोंट यू वरी, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि माँ को इस बारे में कुछ भी पता न चले। हा? मुझे तो अब्दुल बिल्कुल नहीं पसंद, जब से वो आया ना सब कुछ गड़बड़ होने लगा है। लेकिन उसका प्लान बहुत अच्छा है, अभी थोड़ी देर में देखना गंगू और गाली दोनों। अरे देख दोनों नाश्ते खाते आ रहे हैं। नाश्ते खाते नहीं, मार खाते खाते आ रहे हैं। चश्मा लगा। मार खाते खाते? मैंने पहले ही कहा था। तो जा, मैं समझता हूँ। उधर फूट वाला तो मारूंगा। मारेगा? हाँ। तो उधर है, चलो। वैसे तो सारा काम हो गया, लेकिन आपका आदमी एक नंबर का बेवकूफ है। आधा से ज्यादा काम मेरे को ही करना पड़ा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 3,000 रुपए दूंगा। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आप बहुत अच्छा आदमी है, आप मेरा फ्रेंड है, मैं पूरा 6,000 ही आपको देता हूँ। आप बहुत अच्छा आदमी है, आप मेरा फ्रेंड है। देखिए आप मेरी बात सुनिए बड़ी। आइडिया कैसा कैसा लगा? अंदर गुस्सा करेंगे आप लोग को, पब्लिक पकड़ लेती ना तो लेने के देने पड़ जाते। तेरा ये लफड़े का लेबल है ना, हम तीनों के थोपड़े में लग जाता। ये ले घुसाड़ ले अपने में। ए छड़ फसाएगा साले। वैसे भी वर्दी वाले को पगार कितना मिलता भाई? ये हाथ में डाला सूंगा। उस पर पगार महीने में एक ही बार मिलता है, और ऊपर से साला राशन पानी का खर्चा जो है वो हफ्ते पे हफ्ता देना पड़ता है, इसलिए हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। अब देख 5 छोकरियां मेरे को, 15 साल के बाद में एक लड़का पैदा हुआ है मेरे को, खर्चा साला बढ़ता ही चला गया, इसलिए 40% देना ही पड़ेगा इनको। हाँ, नीली वर्दी का हर जगह रुपए में 10 पैसा होता है, तू 40 गाय को मांगता है तो ठीक है ना यार। इनको बोल 4-5 महीने के लिए अंदर आने को, इनका नाम खाते में आ जाएगा, 10% लागू हो जाएगा। मैं तो सोचा साला नया लोग है, संभालना पड़ेगा ना। मार हमारी। ए अब्दुल, बूंदी का लड्डू खिला सबको, बेटा पैदा हुआ ना यार, ऐसा आइडिया अच्छा है, नया टोली। अच्छा अगले हफ्ते इधर ही ना। हाँ हाँ ठीक है, बैठे खोल के दुकान आ जा। तू भी क्या आइटम है यार, ये भी साला हर टाइम हम लोग का बैंड बजाएगा। लीचर नहीं बजाएगा। अरे 15 साल बाद इसे लड़का हुआ है। अरे ये तो लड़की है। मेरा बेटा किधर है? किधर है? दे दो ना।
पहले इस पे साइन करो। ये क्या है? अग्रीमेंट। अगर तूने या किसी भी तेरे साथ वाले ने हम लोगों के बीच आने या टांग अड़ाने की कोशिश की तो ये अग्रीमेंट पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा दिया जाएगा और कलम 314, 511 और 720। 720 मैं हवलदार नागपाल, क्राइम ब्रांच, दिल्ला नंबर 723। अपने होशो हवास में इकरार इकरार करता हूँ कि पास्कल का डा खाल डांडा बाबू भाई मटके वाला मुर्गी गली बांद्रा स्टेशन जमुना भाई ठंडे वाली हिल रोड बैंड से हफ्ता लेता हूँ। हाँ, और ये मैं बिना किसी दबाव के दबाओ बिना किसी दबाव के बॉल पेन तुमको अच्छा लगूं या ना अच्छा लगूं मुझको परवाह
अभी बताओ बाहर क्या लफड़ा हो रहा है। अरे सब लोग मेरी चमचागिरी काय को कर रहे हैं। चमचागिरी वो साला अपना खाना बनिया पैसे के वास्ते हमेशा कचरा करता था और आज अच्छे महीने का राशन घर पे पटक के गया ना। प्यारलाल दूध वाला आज घर पे दूध देके गया और फिर फ्रूट वाला सब्जी वाला मटन वाला कोई पैसे ही नहीं लेता, इसका क्या मतलब? वहाँ ये मुन्ने कि हमारे गैंग का वाट जम गया। तुम लोग कहीं गलत कंपनी में तो नहीं फंस गए ना? कंपनी हाँ, हम लोग ने कंपनी खोल रखी है जिसका नाम हम लोग रखा है गैंग, जी ए एन जी गैंग। कंपनी का नाम गैंग है तो काम होएगा मार धार तोड़ फोड़ है ना। मार धार तोड़ फोड़ तेरी जोक मारने की आदत नहीं गई, ये भाई बहन दोनों बहुत जोक मारते हैं। लेकिन तुम लोग की कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी क्या काम करती है? क्या काम करती है कंपनी? बता तो बता। हाँ ये कंपनी बहुत काम करती है। बैठ जा समझाना पड़ेगा। हाँ तो ये कंपनी क्या करती है? क्या करती है कंपनी? ये कंपनी क्या बच्चे लोग के साथ अटक के बात करता है? बच्चे लोग तेरे को ऐसा पड़ा? अरे छोटे छोटे बच्चों को घर से स्कूल, स्कूल से घर पहुंचाती है, बूढ़ों का सामान उठा के उनके घर पहुंचाती है, अंधों को रास्ता क्रॉस करवाती है, अंडर कंट्रोल, और जिसकी शादी की प्रॉब्लम है दहेज की प्रॉब्लम उसकी शादी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। एक और जिसको ऑफिस जाने वाले को खाने का डब्बा पहुंचाती है। तारीफ अच्छी नहीं लगती अपने मुंह से। अच्छा तो ये कंपनी जनता सेवा करती है बेसिकली। हाँ। कई साला तुम लोग मिलके मेरे को शेंडी तो नहीं लगा रहे? मार खाने का है क्या? तुम को शेंडी लगाएगा? मैं गैरी नहीं हूँ क्या समझी? लगता तो ये लोग मेरे को शेंडी लगा रहे हैं, पर क्या है ना बाहर पब्लिक लोग बहुत इज्जत कर रहा है। सरप्राइजिंग, बनिया भी अपन से पैसे नहीं लेता है, सब लोग अपने को सलाम करता है। लगता है गॉड ने अपन का प्रेयर सुन लिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फन। एक मिनट तुम लोग अभी मेरे भेजे में बात घुसाई डालो कि तुम लोग का काम तो है जनता सेवा है ना, माना चलो ठीक है सोशल सर्विस, पर ये कंपनी का नाम गैंग कैसा है? तू पहले चश्मा पहनो और मेरे को ये बता कि गैंग नाम कैसा रखा तुम लोग मेरे? यू सी जी एन जी गैंग, जी फॉर गोबी, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गन, जी से गंगू भी होता तो गंगू, जी फॉर गंगू, गंगू थैंक यू, गंगू थैंक यू, जी फॉर गंगू, गंगू गंगू गंगू। And Evo? Abdul Bhai! Abdul Bhai! Kaisa Guru? Jamade! And N for yours truly. Nihal Singh! And G for Disco Chandi, Gary! This is Gang! Wow! Nihal, you're a genius! Abhi to main bhi gang join karegi. Yeah? Are, isko kya ho gaya? इसको लो ब्लड प्रेशर है, अगर ज्यादा फूलता है ना तो बेहोश हो जाता है बेचारा। ए वन में गैंग तो ज्वाइन कर सकती है ना? ज्वाइन कर सकती है, कैसे कर सकेगी? तेरा नाम क्या है? टीनी। टीनी गैंग के आगे टी लगाया तो टी गैंग, और पीछे लगाया तो ऐसा नहीं करने का। देखो देखो तेरे को चांस मिल जाएगा ना, तू आ जाना, मैं बोलता ना प्रॉमिस। हाँ कसम से आ जाना। मिल गई क्या? मैंने तो गैंग अपनी जगह बना ली। गंगू अपने से शानपति जगह नहीं है। अब्दुल भाई अपना प्रॉमिस नहीं भूलने का क्या? निहाल जीनियस तो अपन भी कम नहीं है क्या? गैरी चार के अंदर एक इडियट, और ये मैं गैंग का फुल स्टॉप। लगा दिया ना तुमने कि गैंग को फुल स्टॉप। मैं भी बहुत शानी है क्या? आफ्टर ऑल सिस्टर किसकी हूँ। गैरी जरा इसको अच्छे से पेंट करना और ये फुल स्टॉप जो है ना उसे जरा बड़ा सा बनाना। ओके फुल स्टॉप। अनजाने में बहुत बड़ी बात बोल दी। अरे लेकिन यार अनजाने में ये क्या बोल गया? क्या? आज से अपनी कंपनी का नाम गैंग। लेट्स गो। जीना मुश्किल कर दिया वो
हरामी साला। मैं बोला मैं डगलू काना का आदमी, पता क्या बोलता है वो, बोलता है कौन डगलू काना? हाँ वही माउंट मेरी का साला चार हरामी। बहुत बहुत आगे बढ़ते जा रहे। हाँ माउंट मेरी से आगे क्या बढ़ेंगे? बोलता है माउंट मेरी से चलेगा और धरावी का जितना दारू का भट्टी है वो अपना अड्डा बना लेगा। हाँ। धरावी का दारू का भट्टी किसका नहीं मालूम? मालूम बरोबर मालूम, लेकिन जोश नया नया जोश है ना, ऊंचा ऊंचा ड्रीम, गैंग नाम रख लिया। गैंग? बात घुसाओ आप उन लोग नहीं हो साला काने का, क्या बिगाड़ा था है? बिगाड़ा बिगाड़ा कुछ नहीं बे, खुली बात तो ये कि आजू बाजू के एरिया में अपना नाम इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े शाने लोगों के तंबू में घबराहट होने लगी है। आइला तो अभी क्या करने का? करने का क्या, आर्या पार बस। आर्या पार बस का जो उन लोगों ने किया वही हम लोग करेंगे, तो उन लोग और हम लोग में फर्क क्या है? तो फर्क पैदा करो ना, झुमका घाघरा चोली पहन के बाजार में घूमते फिरो, बच्चा कहाँ पैदा हुए ला है? क्या आइटम यार, देख अब तो एक बार हम लोग इस गुनाह की कीचड़ में घुस गए ना तो निकलने के लिए सारी जिंदगी निकल जाएगी, पर ये मार धाड़ आर पार अपनी जिंदगी का मकसद नहीं है, समझा ना? बहुत बड़ा डायलॉग बोला दोस्त, बहुत बड़ा। जिंदगी मकसद बोल यार, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, है? कल तक गली का कुत्ता नहीं पूछता था, शराबत के कपड़ों पर बेकारी का कीचड़ लग गया था। जैसे भी थे मस्त थे हम लोग। क्या खाक मस्त थे? अरे अंदर से बाहर तक हालत पतली थी, दो वक्त खाने के वांदे थे, और आप माठाट से बैठिए गल्ले पे, लोग हाथ पैर हिलाते उसके सामने। मेरी नूडल वाली घिनी चार ठोकरे काम करते हैं उसके हाथ के नीचे। नेम साहब दिव्या को काम के लिए किसी को मस्का नहीं लगाना पड़ता है। अरे उनका छोड़ो, खुद का ही देखो ना, क्या ठाट है, है? ये ऐसे सीना टांगे घूम रहे ले। और तो और पिछले छह महीने से लोगों से सलाम वसूल कर रहे ले। जिंदगी का मकसद यही ठाट है, यही ताकत है, यही इज्जत है, और इसी इज्जत को अगर संभाल के रखना है ना तो डगलू गाने का हिसाब चुकता करना होगा, नहीं तो ये सलाम गंगू सेठ वो बोलने वाले लोग पान खा के झुकेंगे तुम्हारे मुंह पे। अब्दुल अब्दुल ठीक बोल रहा है गंगू, बदनामी के 100 दिन से इज्जत का एक दिन अच्छा है,
इज्जत का एक दिन भारी पड़ेगा तुम लोगों को। देखो तुम लोगों को नहीं आने का मत आओ, मैं जाएगा अकेला। दगड़ू ए कान्या, अभी क्या करेंगे? चिट्ठी, इस गरम कोट वाले के लिए एक चिट्ठी छोड़ दे। निहाल, छह महीने में कहां से कहां पहुंच गए, कितनी तरक्की की है हमारे गैंग ने। हाँ। और छह महीने देख, लाइफ बदल जाएगा, ऐश कराएंगे वहां को। हाँ। यार अब्दुल। हाँ। वो अरविंद भाई से बात हुई क्या? हाँ, वो तो खुश है अपने काम से, उसका मांडवली किया था ना, अब उन लोगों को बुलाया संडे को हिसाब किताब कराने। लाला आगे, लाला आगे, लाला आगे, लाला आगे। ये लाला कौन है यार? अरे यार, बंबई का बादशाह यार, बड़ा खतरनाक आदमी है लेकिन फरिश्ता है। क्या बोल रहे? पूरा अंडरवर्ल्ड वाला सलाम माता है, पुलिस में भी बहुत इज्जत है, सॉलिड आदमी है। इस धंधे में रह के भी इतना नेक है, ऊपर वाले का हाथ है इसके सर पे, और जितने भी दुश्मन आए दिन इसके जान के पीछे पड़े रहते, ऊपर वाला बताता है इसको। क्या बोल रहा है यार? सॉलिड है यार, सॉलिड। चल मैं नमाज पढ़ जाता हूँ। बिना शर्म के खाओ, बस खाओ, ये फल खाओ। नहीं बस, तुम खाओ बस, तुम जवान लोग हो तुम। अरे एक ही जवान है तुम लोगों में, देखो कैसे खा रहा है। खाओ बाबा, बहुत खुश हुआ हम, तुम लोगों का बहुत नाम सुना है, कल देख भी लिया, बांद्रा में तुम लोगों का बहुत नाम है। खान साहब, बांद्रा में तो सब लोग आपको लुक्खे समझते। बोला तो नादान है, अभी जब समझ जाएगा ना तो खुद बहुत खामोश हो जाएगा। हाँ तो बचलो, हमको तुम सब लोग अपना बड़ा भाई समझकर बताओ, हम तुम लोग के वास्ते क्या कर सकता है। खान साहब, अगर कुछ करना ही चाहते तो हम लोगों को आपके साये में रख लीजिए। मतलब हम सब लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं हमारे साथ। हाँ। भाईजान, शमशेर भाई का फोन है आपके लिए। अच्छा बचलो, माफ करना, हम अभी आता है।
अब्दुल ये क्या नया चक्कर? अरे यार बांद्रा तो सड़े हुए दांत का छेद है, ये तो बंबई का दरवाजा है। अपने को तेरे दरवाजे दरवाजे के चक्कर में नहीं पड़ने का। अरे चक्कर में तो आम बढ़ गया है आम। देखो शमशेर, हमारा तुम्हारा बचपन का दोस्ती होएगा वो अलग बात है, उसको अलग रहने दो। तुम अपना कानून के साथ वफादार रहो, हमारा कानून हम खुद बनाते हैं, खुद समझा। वैसे भी अब हम इस मामले में बहुत आगे बढ़ गए हो। इतना आगे भी मत बढ़ो कि लड़के आने में भारी पड़े। अरे अपने को तो अभी से भारी पड़ रहा है। ये असली अपने को सूट नहीं करता। चुप चुप गंगू, ये काम कुछ दिन करके देख लेते हैं, नहीं जमेगा तो छोड़ देंगे यार। और क्या क्या ख्याल है? लाला 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 खान साहब, हमको रखना पड़ेगा तो तुम लोग हमारा साथ काम करना चाहते हैं। तो सुनो बच्चे लोग, हम दुनिया की नजर में बहुत बुरा आदमी, लेकिन हकदार को उसका हक दिलाता हूं। तरीका हमारा अलग है, और बाजी गर्द शराब रिश्वतखोरी हमारे लिए साफ हराम है। हमारे साथ काम करने के लिए ईमानदारी, सच्चाई और बहादुरी की जरूरत है। मंजूर है? मंजूर मंजूर है मंजूर। क्या बात है कम, तुम्हारा दिमाग में कोई और बात? नहीं मंजूर है। मैंने तो जिंदगी से है खेला जुआ, मैंने खेला जुआ दुरू, हार के भी कहा जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ दुरू। मैं भी क्या कर सकता हूं, वो उनको छत्र छाया मिल गया ना, वो मजीद लाला का बेटा बना लिया, गोद ले लिया उन सारा हरामी लोगों को। हाँ
आग लगा दूंगा उस गोद को और उस हरामी बाप को भी। मजीद लाला भाई, शमशेर से कहना कि सिर्फ मिठाई भेजने से काम नहीं चलेगा। वो इंस्पेक्टर होएगा तो अपने घर का इंस्पेक्टर होएगा। बोल देना उसको आज शाम हमारे घर में हमारे दस्तरखान पे हमारे साथ शरीक नहीं होएगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जरूर कहूंगा सर। तुम नहीं खाएंगे? नहीं सर, अभी मैं ड्यूटी पर। आज शाम तुमको मजबूर नहीं करेगा पर शाम तुमको भी आने का, समझा? अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, गिरजा सिंह का भाई प्रद्युमन आया है। कौन? गिरजा सिंह का भाई प्रद्युमन। प्रद्युमन? ये गिरजा सिंह कौन है? बम्बई का बादशाह है यार। कौन बोला बादशाह? कोई बादशाह बादशाह नहीं है वो। कौन बोला बादशाह है वो? कौन बोला? सब गलत काम का कमाई है उसका। चरस अफीम का जान दर्द औरत का धंधा साफ करता है वो, लेकिन उसका भाई आज हमको मिलने वास्ते क्यों आया? तुम्हारा वो दोस्त शमशेर सिंह अपनी वर्दी को कड़क करने की शौक में हमारा धंधा खराब कर रहा है। वैसे तो हम भी उससे निपट सकते हैं, लेकिन फिर आप बीच में आइएगा। और भैया का कहना है कि फिजूल में आपस में दुश्मनी काहे किया जाए, इसलिए जरा उसको प्यार से समझा दीजिए। इस अंधेरी दुनिया में एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई का शमा लेकर खड़ा है। तुम हमको बोलता है कि हम उसको बुझा दूं? धंधे की रिश्तेदारी की खातिर? अभी तुम लोगों ने बहुत रिश्तेदारी जता दी। धंधे की बात करता है ना तो एक बात ध्यान से सुनो, हम किसी को उसका हक दिला सकता हूं, लेकिन नौजवान बच्चा लोग को गलत रास्ते पर डालकर मजबूर माँ बाप का हक नहीं छीन सकता। तुम लोग जानदार लोग के बाजार में बैठकर मुर्दा जिस्म को नीलाम करता है, जुल्म करता है, राम जुल्म को खरीद कर जालिम लोग का तबाह करता है। इसके वास्ते गिरजा सिंह को हमारा पैगाम पहुंचा दो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अरे इसमें तो आप ही का फायदा है, हाथ मिला लीजिए तो हर करोड़ के धंधे में 10 आपका। 10 लाख? ये 10 लाख मजीद लाला की जिंदगी की कीमत लगाई है गिरजा ने, या उन मासूम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने का सिला दिया है? सुना था कि ईद के दिन मजीद लाला के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम भी खाली हाथ नहीं जा रहा है प्रद्युमन, आज तुमको तुम्हारा जिंदगी भीख में मिल रहा है। तुम ये कमजोरी दिखाकर आम को नीचा किया, वो भी एक जलील इंसान के सामने। कमजर्फ है तुम, कमजर्फ है। रुपये का आवाज तुमको खरीद सकता है। लानत है तुम पर, लानत है। खुदाया दाहलिक बेअकल दा, दाद पैसे खराब, मागजे खराब, शोदी उसको बच्चे दे दा बदीना ऊजा, वर बर्बाद बहुशे, बर्बाद बहुशे, बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। दो पैसे का कली, दो पैसे का कली, तुम लोगों में दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? खान साहब को छोड़ देंगे? तेरी आंखों पे तो खान साहब की पट्टी पड़ी हुई है, तुझे तो सिर्फ खान साहब दिखाई देते हैं, उनकी ईमानदारी दिखाई देती है, लफड़े नहीं। लफड़े हैं बापू, लफड़े हैं, पर उसकी भी एक लिमिट है, तरीका है, उसूल है। उसूल, लिमिट, ये सब कहने की बातें हैं गंगू, कहने की। जैसे कि हम जानते नहीं वो हमसे क्या करवा रहा है। बड़वागिरी कराता क्या? गांजा चरस सप्लाई करवाता क्या? नहीं ना। अरे यहां पर हम लोग को लिक्चर पला नहीं करते भिड़ू, यहां काम करने से हमारी इज्जत है, वैल्यू है पूरे मुंबई में। क्या चाटने का है इज्जत का वैल्यू को? माल मंगता है माल, अपुन मेहनत करने का, मांडवली अपुन, लफड़ा अपुन, मारधाड़ा अपुन, मलाई खाएगा खान साहब, इधर खाली दूध का पानी। अरे अपने पास था ही क्या रे, भूख बेकारी झोपड़ा ढाबा। बस मैंने सोच लिया है, अपुन गिरजा सिंह के लिए काम कर। क्या हो गया तुम लोगों को? वो तवाई की हड्डी फेंकेगा और तुम लोग दुम लाओगे? काहे के वास्ते? हराम के पैसे के वास्ते? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। किसे में माल होना कोई नहीं पूछता। कमाई हराम की है या हलाल की? अबे नहीं यार, खाना पीना ऐशो आराम, ये इसके नीचे गाड़ी होगी ना, सामने सोने की थाली होगी, कोई नहीं पूछेगा। माँ नहीं पूछेगी पैसा कहां से लाया, बहन नहीं पूछेगी कहां से लाया। पब्लिक ऊपर से इज्जत देगी वो अलग से, माँ बाहर निकलेगी तो बोलेगी वो देखो
भाई की माँ जा रही है, वो देखो भाई की बहन जा रही है, वो देखा भाई की जोरू जा रही है। थूकेगी अपने मुंह पर जब उन्हें पता चलेगा कि हम गिरिजा सिंह के साथ काम करते हैं। कोई नहीं थूकेगा, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ ना, कोई नहीं थूकेगा। माल मांगता है बस, माल माल माल, कबर में भी ले जाएगा क्या? कबर में जाएगा, गट्टर में जाएगा, बोल तू आएगा कि नहीं? नहीं। अरे जाने देना अब्दुल, बेकार, इसका दिमाग गुलाटी खा रहा है, नहीं समझेगा। लगता है आप उन लोग का दोस्ती अभी इतना पक्का नहीं हुआ है कि सारा लाफा एक को पड़े और दर्द दूसरे को है। दोस्ती की बात करता है तू? सारा दोस्ती की बात तू क्या करता रे? तेरे दोस्ती ने तो यहां तक लाया मेरे को, तेरे दोस्ती ने तो यहां तक लाया मेरे को, तेरी दोस्ती ने तो यहां तक लाया। बड़वागिरी करा, गांजा चलो सप्लाई करवा। दोस्ती की बात करता है तू सरे? इस साल और घड़ियां मिलकर पुलिस का साथ देता रहा, और जानते हैं छुटका मामा, इसका ठोस सबूत भी है हमारे पास। साला तुझे भी काट के लटका दूंगा इस गनिया की तरह। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, हाँ पुलिस को खबर मैंने दी थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जा माफ किया। ए दुर्गा माँ, काहे को हमसे ही सब पाप करवाती है? हम तो पहले ही बहुत पापी, बहुत खराब आदमी है, अभी दोनों को हमने हाथ से मरवा दिया। बहुत शरीफ, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन हमसे गद्दारी किए। खैर, जो जिंदा है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। भैया जो मरी गवा उसका अफसोस छोड़ो, अरे एक गया तो ही चार आ गए, ये सब लाला के आदमी है, लाला के। हाँ लाला की छाती में औरत का दिल है, वो के आदमी हमरे किसी काम के नहीं। नहीं भैया, हम बहुत सुना इनका करतूत, लाला ही नहीं के बल पे तो बहुत उछलता है आजकल। क्या कर सकते हो भड़वागिरी, अपनी माँ बहन चोरू को बेचकर रात को चैन से सो सकते हो, नन्हे मुन्ने बच्चे लोगन का हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवा सकते हो, टोकरी चोकराओं को अफीम, गांजा, चरस सप्लाई कर सकते हो, खून कर सकते हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कब क्यों कहां और क्या कर सकता है। क्या लोगे? वही जो बात हुई थी करोड़ में, रुपए में 10 पैसा। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, परीक्षा देनी होगी तुम्हें, और इस पहले काम का कोई पैसा नहीं मिलेगा, समझे? काय को? ठीक है, मंजूर है, काम क्या करना पड़ेगा? सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में हमरे एक बहुत ही नजदीकी साथी की लाश पड़ी है, उसे वहां से गायब करके हमरे इन भांजों के हवाले कर देना। दे दा। स्टॉप, गाड़ी थामा, गाड़ी थामा। क्या अब्दुल? सलाम सर, ये नाकाबंदी कुछ लफड़ा है क्या? हाँ, कुपर हॉस्पिटल से एक लाश चोरी हो गई है। अच्छा अच्छा है ना, जलाने का खर्चा बच गया। अरे नहीं, वो लाश के जरिए कुछ 80 लाख रुपए। खैर जाने दे। सलाम सर। चले चल, जाऊ भाव।
ए लालचे मानुस है, चले ड्रम कार्ड। अब्दुल बात मेरी समझ में आ गई। खाक समझा तू। अरे ऊ लोगन ने का चालाकी की है? चालाकी तो अपने बड़के मामा ने की है। ऊ लास्मा 80 लाख की गरद है। 80 लाख? हाँ। बात हमरा समझ में नहीं आ रही भैया, आप ठीक ठीक समझा दो। अरे छुटका, लास अगर मामा तक लाए तो 80 लाख मामा के, और अगर लास पकड़ी गई तो बदनामी मजीद लाला की। हाँ, वह अरे अपना मामा बड़ा होशियार निकला। अरे गैंग, अरे हमरे मामा से उलझे हो का? 80 लाख का थप्पड़ मारा है। ससुरा पीके ड्रामा करता रहता है, हवाओं के भी कान होते हैं। हमने बड़के मामा से कहा था कि हमरे साथ छूट के मामा को भेजो, इस साला फंसवा के रहेगा। 80 लाख का माल था डॉक्टर, बोल बोल किधर गया माल, बोल बोल किधर गया माल, बोल। मैंने तो पहले ही कहा था ये लाश खोली हुई है। लेकिन जैसे ही लाश हमको उन चारों ने दी, हम तो वैसे ही लेके यहाँ गए। भैया साला फर्नांडिस हम लोगन के साथ धोखा किया। साला फर्नांडिस, फर्नांडिस साला अपने आप को समझता का है? हाँ, खुद गुजरात का बॉर्डर पर बैठा है तो का समझता है? उसका बीवी बच्चा तो यहाँ बंबई में है ना। आएगा आपकी बार बंबई तो समाधि पर फूल चढ़ाने का वास्ते। एक हमला कर, उस साला के गुजरात का बॉर्डर पर फोन करो। हेलो, गिरजा, ये खिलवाड़ वो फर्नांडिस ने नहीं किया, वो चार हरामी किया। गैंग साला अपना ही माल लौटाने को 8 लाख रुपया मांग रहे हैं। सब इसी का गलती है मामा। क्यों भैया, बोला था उन चारों ससुरन की खोपड़िया उड़ा दी। हाँ हाँ, उड़ा दो खोपड़ी। खोपड़िया उड़ गई तो भेजा भी उड़ जाएगा, और भेजा उड़ गया तो कैसे समझाएंगे गिरजा से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है? हमका माफ कर दे मामा, सभी इसी की गलती से हुआ है मामा। तुमने हमसे झूठ बोला, उसका जुर्माना 8 लाख, वरना हम ये काम ऐसे ही कर देते। ये रहा तेरा माल। मैया गैस पर इसको टैलो मारने की पड़ी है। चल रहा यार, बोला था ना बराबर की कुर्सी पे बैठकर बात करो तो बड़े से बड़ा शेरखान भी बिल्ली बन जाता है। और मास्टर को भी परीक्षा देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि विद्यार्थी स्कूल का है या कॉलेज का। अच्छा डायलॉग था, भाग लेना छोड़े बाद में करेंगे पूछताछ। चलना बैठ मामा, हमसे गलती मामा, हमसे गलती हुई, हमको माफ कर दो मामा, माफ कर दो मामा, हमें माफ, हमको माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, तुम हमार बच्चे हो, हमार भांजा हो, हम तुम्हार मामा हैं, ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। वैसे भी जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। Thank you.
तुम्हारे इन दोस्तों के चक्कर में। 2 साल से सहती आई हूँ, अब बहुत हो गया। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने आगे निकल जाएंगे। अब तो पता चल गया ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो उनका साथ। मैं गया हूँ क्या उनके साथ पैसा वसूल करने? ये बहाना बहुत हो गया। मैंने अपने गंगू के साथ मिलकर कुछ सपने देखे, बहुत ही छोटे से, बहुत ही मामूली से, जिनका ना पूरा होने का डर था ना टूटने का डर था। मुझे अपना भाई गंगू वापस चाहिए। जिस दिन वो मिल जाए, मेरे पास आ जाए, मैं इंतजार करूं। आज के बाद बस सिर्फ 3 हिस्से होंगे। 3 क्यों? क्योंकि मैंने सोच लिया कि इस रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा। कमाल करता है यार, अभी अभी किस्मत का दरवाजा खुला है, माल कमाने का वक्त आया। बात कर रहा है नहीं रे ब्रो, अब वक्त आ गया है अलग होने का। क्या? वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं तुम लोगों को छोड़ सकूंगा। गंगू, तू ये बोल रहा है? अरे छोड़ यार। बहुत सोच के बोल रहा हूँ रे, तेरे को तो मालूम है कि अपना कभी बड़ा सपना था ही नहीं, जो भी था छोटा छोटा था। लेकिन इस बड़े के चक्कर में जो छोटा है वो भी छूट जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। ए, घुमा फिरा के बात मत करा, जो बोलने का वो साफ साफ बोल दे। 4 दिन की जिंदगी है रे, मैं माँ के साथ कहीं भी गुजार लूंगा। क्या किधर, किसको? माँ को लेकर जाएगा? हाँ, माँ को लेकर जाऊंगा। क्या मजाक करता है क्या तू? मैं मजाक नहीं करता रे। गंगू, तू माँ को लेकर नहीं जा सकता। देख, कल तक जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, हम लोग साथ में थे अभी। और आज हम लोग साथ में नहीं है। तो क्या नाटक गिरी करा बगा? देख गंगू, तू जो चाहेगा ना हम वही करेंगे। तो खा कसम, खा कसम। चहला, तुम लोग मेरे से बहुत आगे निकल गए, अपना घाटी दिमाग उधर का उधर ही चले गया। सीधी बात तो ये है, जहां तुम लोग जा रहे हो वहां मैं जाना नहीं चाहता। तो जहां मैं हूं वहां शायद तुम लोग रह नहीं सकते। शायद, शुक्र है गंगू तूने शायद तो बोला, मगर एक प्रॉब्लम है, मैं इस पैसे के बगैर तो जी सकता हूं, लेकिन तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता। मुझे तेरी आदत पड़ चुकी है। सब एक तरफ हो गए, अब उनका तुम्हारे सिवा जी नहीं सकता क्या? पैदाइशी यतीम आए भाई लेकिन आज तुम लोगों ने यतीम का मतलब समझाया अपुन को। अपुन को तो पैसा चाहिए बस, और क्या। अपुन क्या खिला यार, बुलाओ ना अपुन को भी उधर। इनविटेशन हो गया, चैप्टर इधर आज मेरा बर्थडे है यार, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ अपना दिमाग ज्वाइन कर ये सोच रहे हैं कि तेरे लिए क्या करें। सोचा क्या?
क्या रे, क्या समझता है तू अपने आप को? तेरे को मिलने के लिए इधर चक्कर काटते काटते अपन सड़ गया, सजा काटा, अंदर गया, अंदर भी नहीं मिला अपन को। बहुत तड़पाया, बहुत तड़पाया तू। यही तड़प तो हमारी दोस्ती का सबूत है, और इसी दोस्ती के सहारे तुम्हें जी रहा था। चलो साहब, टैक्सी बैठी है, भाड़ा बढ़ेगा तो अपन को गाली देगा। टैक्सी ड्राइवर, मेहनत क्या कमाई, भाड़ा अंदर, मीटर नीचे। बोलो साहब, किधर जाने का? पांच साल यार, पांच साल। गहरी निहाल, गहरी निहाल, सब फंस गया। तेरी कमी थी, तू आ गया ना। चल चल, यहाँ ये वो यहाँ मालिक रहता है ना पैसा देने का, ये बड़ा अमाउंट है ना, तू ठहर इधर। निहाल सिंह, पीछे देख। गैरी रोजारियो, क्या पैसेंजर मिलते हैं टैक्सी का भाड़ा भी नहीं देते, सेठ लोगों को मिला क्या? यो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, दोस्तों, ब्ला 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 एंड ब्ला। आज ईद, आज दिवाली, आज क्रिसमस, आज गणपति, म्युनिसिपैलिटी के नल को पानी नहीं है, यहाँ आके भरी पड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे यार, खुशी का मौका है, रोना मत, रोना मत यार। हर भूल गया, तूने देख लिया, देख लिया। अभी मैं चैन से मरने को देवा, इतने दिन के बाद आई, तू क्या बोल रही है? देख ना यार, क्या बोल रही है? अरे हर खुशी के मौके पर नीरू पा रहा है और तू मरने की बात करती है, और वो भी चैन से। नहीं, बात है, बात है, बात है यार। अरे मम्मी, अभी तेरे को इसके बच्चे को खिलाने का कि नहीं? क्या है? इसके इसके नेक्स्ट मंथ। दिव्या 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 दिव्या। अरे भाई दिव्या, नीचे गंगू आया, क्या कर रही हो तुम? यू टेक अ लॉट टाइम टू गेट रेडी यार, ये क्या कर रही हो तुम? आज मैं गंगू को सब कुछ बता दूंगी, पांच साल से इस घर में क्या क्या हो रहा है। शट योर माउथ, शट योर माउथ। तुम गंगू कुछ नहीं बताओगी, बस नॉट टेल गंगू एनीथिंग। बताऊंगी, बताऊंगी, कुछ नहीं बताओगी तुम गंगू को, बस 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 बस। क्या टूटा? अब मैं देखता हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं रे, टूटा तो अच्छा होता है शगुन, कैसा पोपट बनाया था एक दिन उसको। बस गंगू, गंगू आया है, डरियो गंगू, गंगू, गंगू। अरे सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोए? इतनी खुशी मिल गई कि नींद ही गायब हो गई।
यकीन नहीं आ रहा, सब सही हो गया, सब सही लाइन पे जा रहे हैं। तेरा बच्चा, तू, माँ खुश है ना? नहीं गंगू, अभी एक सुर बाकी है। सनम, फूलों में गलियों में प्यार की गलियों में दोनों मिले मिल के चले अनजानी राहों में हम ए हे दिल है बेचैन आजा ए हे प्यासे है नैन आजा फूलों में कलियों में प्यार की गलियों में दोनों मिले मिल के चले अनजानी राहों में के वो तराने गुनगुना के जिन्हें हम हो गए थे दीवाने गा रही है हवाएं प्यार के वो तराने गुनगुना के जिन्हें हम हो गए थे दीवाने मस्ती का आलम है मिलने का मौसम है तो किस लिए ये फासले क्यों हम पे है ये सितम नहीं तो बोलना कंगू वहां देखो ना एक मिनट अरे जल्दी करना यार क्या कर रहा है किसी का पांच नंबर की चाबी है यार फटाफट करना यार क्या कर रहे हो तुम लोग वाइपर निकाल चल ए भाई क्या हो रहा है ए शाणे चल हीरो बनता क्या फाड़ के रख देगा समझा अबे शाणे ए ए अब जाओ भाई भाई को नहीं जानते क्या अब जाओ मैं देखता हूं भाई मैं देखता हूं जाओ नहीं ये लोग मुझे कैसे जानते जैसे तुम्हें पता नहीं वो कौन लोग हैं आई स्वयं मुझे नहीं मालूम ये लोग कौन है गंगू मैंने तुमसे कोई सवाल ही नहीं किया जो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत पड़े आई शपथ में झूठ नहीं बोल रहा हूँ
गंगू, तुम्हारे इस लंबे इंतजार ने मेरे हर हौसले को तोड़ दिया है। मैं किसी भी बात पर बहस करके तुम्हारे साथ एक भी पल खोना नहीं चाहती। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो। ताज में पार्टी रखी है, फिल्म वाले लोग इतने दूर आएंगे क्या? आ जाएंगे यार, एक फोन करेंगे दौड़ के आ जाएंगे। देखो ये कार्ड अच्छा है ना यार, तू एक काम कर, वो ताज का बावर्च है ना, उसको बस जरा खाना वाना भी सैंपल करके, नहीं तो वो रिसेप्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये नागपाल को काय को बुलाया यार? हाँ अब्दुल, हमारा धंधा क्या है? होटल्स हैं, हम गल्फ में मीट मच्छी सब्जी तरकारी भी सप्लाई करते हैं, वीडियो बिजनेस भी खोल रखा है और कुछ रेसी घोड़े भी हैं। ये सब करने के लिए पैसे आए कहाँ से? वो 8 लाख रुपए भूल गया? हम लोग ने तय किया था खुद रख लेंगे, बस उसे घुमाया फिरा और क्या। अरे यार वो जमीन खरीदे अच्छा हुआ, बाद में रेट आसमान को छू गए, जहां हाथ डाला वहां सोना हो गया यार। मेरी कसम खा, बोलिए सब पैसे ईमानदारी और मेहनत के हैं। अरे यार ये सोचता है मतलब हम कभी मेहनत ही नहीं कर सकते। मेरे को मालूम था ऐसा ही होगा। कसम खिलाई झूठ कैसे बोलता? तो ठीक है सच बोल देते हैं। आ गया तू, आखिर 5 साल के बाद आ ही गया ना घर में, मुझे पता ही था। लेकिन इस बात के लिए खुशियां होनी चाहिए, जश्न होना चाहिए। अरे गंगू शेर है शेर, हाँ अपना गंगू, देखो कितना फिट लगता है रे। अरे वाह, अरे गंगू पहचाना मेरे को? ये वो नागोबा बुंदी के लड्डू। वो क्या है कि जब से पकड़ा गया ना वर्दी उतार दिया, अब तो बस भैया का सेवाइच भी लगा हुआ है। ये हमारे वीडियो कंपनी में पार्टनर्स हैं। अरे वीडियो का छोड़ो यार, ये तो हमारे गर्व के धंधे का किंग है, किंग। अच्छा वो माल लाए हो ना, पार्टी वेटिंग में। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए तू बाहर आ गया बबुआ, बहुत खुश हुए। भैया शादी कर रहा है? शादी कर रहा है? अरे बहुत अच्छे, बहुत धूम से मनाएंगे, बहुत धूम से। अच्छा सुकून नहीं है, बड़े घर से आया है ना, शराबत का भूत सवार है। हमारा आपस का मामला है, हम संभाल लेंगे, चल रहे। से झूठ तो बोलना ही पड़ा था, और कोई चारा ही नहीं था, और तू तो मां का गुस्सा जानता है ना। अब क्या मारा कि तुझे ये सब पसंद नहीं है? कोई काम कर, शादी के बाद हनीमून के बहाने लंदन चला जा, वहां गिरजा का होटल है, उस होटल में हमारे शेयर्स हैं, तू उस होटल को संभाल ले, कुछ दिनों बाद हम मां को भी वहां भेज देंगे। एक बात बताऊं, जब भी हम लोग काम पे जाते थे ना तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था, क्या अगर मैंने ना बोल दिया तो शायद अपनी दोस्ती, शायद तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। लेकिन आज सोचता हूं कि ये डर सिर्फ मेरे हिस्से में क्यों? तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या कि अगर मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया तो क्या अपनी कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे तू ये सब छोड़, आगे की सोच, देख मां कितनी खुश है, ऐश कर रही है ऐश। अरे हमने तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया है,
टाटा बिरला के बच्चे तो मर्सिडीज में स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल हेलीकॉप्टर में जाएंगे, हेलीकॉप्टर में, और वो भी बॉडीगार्ड्स के साथ। जमाला हेलीकॉप्टर, बॉडीगार्ड, बंदूक, ये क्या स्टाइल है रे बच्चों को स्कूल छोड़ने का? हाँ यार, अपने बच्चे की उंगली पकड़ के मैं उसको आराम से कोई टेंशन बिना स्कूल ले जाऊं, इतना काफी है रे मेरे लिए। भाई की मां, भाई का बहन, भाई का बच्चा, ये क्या हो रहा है रे तुम लोगों को? नहीं यार, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दूंगा तो भी चलेगा, मगर अपने नाम की गोली उसके सीने पे नहीं देना चाहता हूं मैं। तुम लोग समझते हैं कि नहीं रे? नहीं समझेगा ना? ठीक है, मैं अपनी मां को लेके जाता हूं। क्या रे, क्या नाटक करता है? हैं? जा रहा हूं, चल रहा हूं, फूल मारता है क्या? हैं? क्या नाटक कर रहा है? साला खोपड़ी पक गई सुन सुन के। हर बार मां की धमकी। कौन अच्छा धंधा करता है, कौन सीधा है? साला ऊपर से लोरी, अंदर से कैबरे, हमने ठेका लिया है। हर बार मां, मां क्या है? हाँ? क्या है? तेरे को कुछ बोला कोई? उंगली उठाई किसने तुझ पे? बोल साला, तोड़ के रखता हूं उसको, उठाई। देख यार, सौ चूहे गा के बिल्ली हज को चली। मां लेके जाता हूं मां को, मैं चला। 5 साल अंदर था, कौन देखा मां को? कौन देखा? तू आया था, हम ही थे ना? तो चल चल के पूछ दे किसकी मां है वो। ए देखे, हर बार मां मां नहीं करने का, समझाना। जैसे मां तेरी है ना वैसे हम लोगों की भी है। रुक अब्दुल, 5 साल नहीं था ना, मैं लेके गया मां लक्ष्मी को, समझाना। अरे देखना यार, तू उसका दिल तोड़ना चाहता है ना? चल मैं बोलता हूँ, चल। अरे चल ना। मां मां झूठ, लड़कियां झूठ, लड़कियां गंगू तू खाली तो खाके माँ को बहकाना मत। मैं ये सब करते लोग बका लेता है। झूठ, तू जानती क्या माँ? नहीं तू जानती क्या? ए तू अपना माँ मामा करते तू सुन मेरी बात। झूठ बोल रहा है। चुप हो जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ। अरे क्या हो गया बेटा? मैं ज्यादा बोलने को कुछ नहीं है, तू चल घर, ये अपने लायक घर नहीं है, चल अपने झोपड़े में। अरे आखी जिंदगी भूख को पेट से बांध के काटी, दुनिया ने रोटी के बदले पेट भर भर के गालियां सुनाई, अभी मुझे सुख की 2 घड़ियां मिलती है और ये कहता है वही झोपड़पट्टी में बर्तन घिसने को? नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया के धक्के खाने के बदले तू भी हमारे में रहे। मैं यही बोला उसको। हमारे में रहे। पूछ, मैं यही बोला। इसको बोलते हैं माँ, इसको बोलते हैं बेटा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञ गणनायक सर्वसिद्धि करो सेवा पुत्र विनायक। बधाई हो, ये तुम्हारे लिए। गंगू, माँ का बुरा मत मानना। मेरी माँ है, जानता हूँ। यकीन मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Yeah, I know.
मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि वो लोग काम पे नहीं आ रहे ना, यही ना मर साला। भैया निहाल 3 दिन से घर पे नहीं आया है क्योंकि ससुरे की बीवी अस्पताल में बच्चा जन रही है, और अब्दुल लाट साहब कहते हैं कि मां बहुत गुस्से में है। हम कहा था ही, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़वा। गैंग, मुझे मालूम था जरूर कोई चक्कर चल रहा है उनके सड़े हुए दिमाग में। वो सत्यवादी का चेहरा जो वापिस आ गया। वो गंगू, वो तो साला अलग हो गया था। अरे उनको ईमानदारी के रास्ते पे चलना ही था, तो बेईमानी के धंधे में आया ही क्यों? चारों के चारों चूहे हैं साले, जब जी में आवेगा कुचल देंगे। भैया का भी समझ में नहीं आता, उन चारों से नफरत भी है और उनके बगैर चलता भी नहीं। चलता इसलिए नहीं है कि वो साले बहुत काम के हैं, बहुत फायदा किया हमरे लिए, और नफरत इसलिए है कि हमरे भांजों की मौत उन सालों के कारण हुई। जिस दिन यकीन होगा कि सर के ऊपर चढ़ गए तो हम छोड़ देंगे हमारा हुक्म का एक काम। क्या सही बात है ना तगड़ो? मेरा राज गया, मेरा नाम गया, मेरे लोग गए, गैंग की वजह से 5 साल 4 महीने 13 दिन से आईना नहीं देखा है, अपना चेहरा तक भूल गया हूं। बस याद है तो वो 4 चेहरे जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। भाई मुबारक हो, गैंग के यहां बच्चा पैदा हुआ, निहाल का बच्चा। कुदरत नहीं ऐसा तमाचा मारा, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। निहाल, हेलो, किधर है? मैं आपसे बात करना चाह रहा था। भाई को जाने दिया उसको। निहाल, चुप, झूठ बोलता है अब्दुल, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है अब्दुल। बोल, बोल मेरा बच्चा कहाँ है? सुन निहाल, बोल मेरा बच्चा कहाँ है? उसे छोड़ दे मेरा बच्चा कहाँ है? निहाल, बोल मेरा बच्चा कहाँ है? राता, राता मुझे, बोल मेरा बच्चा कहाँ है? निहाल, निहाल, हमें बंदूक अलग है अब्दुल भाई, मेरा बच्चा भाई पैदा हुआ, अब्दुल भाई मेरा बच्चा भाई पैदा हुआ। बंदूक अलग गई, बंदूक अलग गई, इस बार फोर्ट मेरी गलती है, बस फोन ओके ओके, मेरा कसूर है, ये सब मेरा कसूर है। सब बोलते हैं मैं ड्रग्स लेता था, इसलिए मेरा कसूर है। तू बोल, इसलिए मेरा कसूर है। ऐसा बच्चा तेरा कैसा होगा? तेरा बच्चा चांद के जैसा होगा बाबा। ये बकवास डॉक्टर है, इसके कुछ समझ में नहीं आता। तेरा बच्चा ऐसे कैसे होगा? अपनी गैंग का बच्चा ऐसे कैसे होगा? हमको किसकी बद्दुआ क्यों लगेगी? हमने किसका क्या बुरा किया? ये तेरा बच्चा नहीं है बाबा, ये तेरा बच्चा है, मान ले ये तेरा बच्चा है, मान ले। अरे मुस्तक, गाड़ी बनाया के मजाक किया, बीच रास्ते बैठा गया था मैं। चेक कर, दिखता हूँ भाई, दिखता हूँ।
अबे और सो गया क्या नीचे? तेरे को खाली ब्रेक पैड बनाने बोला, पूरी गाड़ी नहीं क्या रे? बारिश के पहले पेंटिंग का काम होगा कि नहीं? वाह क्या फिनिश दिए, ये फिनिश बोलता है तुम लोग, काम बराबर करने को नहीं होता साले। मत कर सकते, मत कर। अबे ये फाइल किसने बाहर रखा है? इसमें पूरे अकाउंट है मेरा। गंगू कौन रखा बाहर? खाना 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 खाना, काम की बात करता हूँ तो खाने की बात करती। पक गया मैं यार, पक गया हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? क्या क्या हुआ मेरे को, क्या हुआ? काम की बात कर रहा हूँ, फालतू बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मैंने प्लेट लगा दी। प्लेटें ही लगाई है ना, ताज तो नहीं खड़ा कर दिया? जो इसे मर्द भी नहीं देंगे लोग। गंगू मैं 2 हफ्ते से देख रही हूँ, दूसरों का गुस्सा तुम मुझ पर मत उतारो। दूसरे नहीं है वो, दूसरे नहीं वो लोग, दूसरे नहीं वो लोग, दूसरे नहीं वो लोग, दूसरे नहीं है। निहाल का, निहाल का बच्चा मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझाने का तेरे को, 6 महीने से बोला नहीं करने का, नहीं करने का बोला ना, नहीं करने का। जो भी नुकसान होगा वो हमारे हिस्से में डाल देना, तेरे को क्या करने का है? ठहर। हेलो रतिलाल, हाँ ये देख मम्मा जो भी आंकड़ा बोलेगा ना उतना पेटी भेज दे उसके पास। हाँ भेज दे। हाँ सुन, उसके साथ मैंने बात कर लिया और तू समझ ले हम बंबई में नहीं है। अरे बंबई में क्या, इंडिया में नहीं, समझ ले चल। हाँ हेलो साजिद, मंगल को बोल वो उमर खड़ी के गोदाम का माल फिलहाल मार्केट में मत निकाल। बियर मैं भी दूं क्या? चल उधर उधर लेके जा चल। निहाल खड़ा बड़े आदमी, और सुनो गंदा पानी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना, अभी तू देख रहा है ना भाई, कुछ प्रॉब्लम टेंशन हम लोग में, समझता क्यों नहीं तू? अरे अपन तो समझता है, लेकिन ये गिरजा सिंह को समझाना टेढ़ी खीर से कम नहीं। देखो अपन तो तुम्हारा आदमी है, उल्टा सीधा समझाकर अपन तो मना ही लेता है, आज ये तो कल वो। निहाल भाई बहुत डिस्टर्ब है, अब वो होशियार हो गया है, ये कब तक चलता रहेगा? अब बोलो हाँ, अब उन लोगों का कहना भी बिल्कुल ठीक है, वो लोग बोलता है कि भाभी को मरा हुआ 6 महीना हो गया। अरे तू जाके वहां बोलना हमारे घर में लफड़ा चल रहा है, 6 महीना लगेगा माँ को समझाने को, 6 महीने के लिए हमको भूल जाओ। बोलो माँ को? अरे अब्दुल भाई भैया को क्या जाके बोलूं कि तुम लोग माँ के पल्लू में बैठा हुआ है? धमकी किसको देता है, धमकी किसको देता है साल? वहीं पहुंचा दूंगा जहां से पैदा हो गया, धमकी किसको देता है साला? चले फोन रख, फोन रख। उसको बोलना हमारी मां की गोद में बैठे हैं, उसकी बीवी की गोद में जाके नहीं बैठे हैं। धमकी किसको देता है? मेरा मतलब कहने का यह है कि निहाल अपना अड्डे पर जाना शुरू कर दिया है, पब्लिक तो बोलता है बहुत फरिश्ता हो गया है, ना बोलता है ना सुनता है, चुपचाप रहता है, शांत हो गया है। अब भैया बोलता है कि फरिश्ता हो गया है तो बहुत अच्छा बात है, काम पर तो आना चाहिए ना उसको, क्यों अब्दुल? कैसी बात? यही तो टेंशन है, अभी कुछ बोला नहीं तो फरिश्ता है, बोलेगा तो मालूम नहीं क्या आएगा। भाई
बताइए पीटर, अफगान से कोकीन का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लाया है। एक नंबर का माल लाया हूँ, टेस्टेड। ये तो खुद नशे में है। वो थोड़े टेंस हैं। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं इसे बाद में लेके आता हूँ। इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि हर बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, निहाल सिंह। छापा, पुलिस का रेड, पुलिस का छापा, पुलिस का रेड, रात दिन। ए अब्दुल, अब्दुल, निहाल का जबान बंद करवा, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार की तैयारी कर, समझा? गंगू, 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 गंगू। इनफ, इनफ। मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो। निहाल, निहाल और गंगू की मीटिंग उस पुराने जिम्नेजियम में करवाओ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। नाउ गो। ओके सर। तुझे कई दिनों से मिलना चाहता था, शमशेर सिंह ने कहा। अच्छा आदमी शमशेर सिंह, वैसा नहीं जैसा हम सोचते थे। कल मैंने एक सिगरेट मांगा तो सबने समझा मेरी आदत। बहुत गर्मी है। सनम कैसी है? अभी तो 7 महीने हो गए ना, उसका ख्याल रखना। उसे वो भारी चीजें मत उठाने देना। माँ दिव्या का कितना ख्याल रखती थी। दिव्या, माँ, मुझे ले चल, मुझे अपने साथ ले चल गंगू। तू जो बोलेगा मैं करूंगा, जो बोलेगा मैं करूंगा। I'm sorry। निहाल सिंह पुलिस का मुखबिर, जेल में गर्द का धंधा जोरों पर। अरे पेपर गया चूल्हे में, आज से इस घर में कोई पेपर वेपर नहीं आएगा। कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं है क्या कोई काम धंधा? चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो।
गए ना दिल खुश, हो गए ना तेरे मन में। अरे तू कितने बार साफ करेगा, चल चल बाजू हो जा। तुम मेरे को माँ बोला क्या इज्जत दी? अरे तुमको ऐसा काली पहुंचने का था तो मेरे मरने के बाद पहुंचने का था। अरे अरे राक्षस, तूने इस घर का पूरा सत्यानाश कर दिया। तू ये बड़ा मनहूस, उल्टे पाँव का, तूने पाँव रखा नहीं कि पूरे घर का हो गया इधर का उधर। बेटेवा बैठी उधर काले धंधे देखने के लिए। अरे मैं कितनी खुश थी, मेरे चार चार पहाड़ जैसे बेटे मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देकर शमशान लेके जाएंगे, चैन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तूने मेरे सपने को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ऐसा कर, ऐसा कर। अरे जा रहा था, जा ला कर दे मुझे। यहाँ फोन करो तो कहते हैं साल भर के लिए हमें भूल जाओ। भैया हमारा भाई मरा, आपने बोला बिरजू तुम चुप बैठो, फैसला हम करेंगे, हम चुप बैठ गए। तेरी जोरू मरी, कांदा हम दिए रहे, तेरे दुख में हम, तेरे सुख में हम, फिर भी तू हमसे गद्दारी किए रहा। अरे निहाल निहाल निहाल, ए गैरी बोलना कुछ बोल। भैया आप फिक्र मत करो, मैं निहाल को संभाल लूंगा। तू क्या खाक संभालेगा, निहाल ने तो तेरे मुंह पर भी थूक दिया है। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि निहाल इन सब बातों की जड़ है, तो ये 3 महीने से ये डिस्कशन क्यों? अरे किसी इंस्पेक्टर को लॉकअप में भेज के मरवा दो साले चर्सी को। मेरा भाई बीच रोड पर मेरे पर थूकेगा तो भी मैं वो थूक चाट लूंगा, मगर मेरा फैमिली के बारे में किसी ने ख्वाब में भी बुरा सोचा तो मैं उसका पूरा पीढ़ी साफ कर दूंगा। अरे मेरे भाई करके तुम जिंदा रहना। देख बाबा, हमने फैसला कर लिया है, निहाल तो मर गई है ना, अब तूने अगर उसके साथ में वफादारी निभानी है तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, वफादार लोगों से हम बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन फिर हमें तुमको भी मारना होगा है ना, नहीं तो तू हमका मार देगा, हमारा घर में घुस के हमको गोली मार देगा, छुटका को मार देगा। तो हम ये नहीं कहते कि तू निहाल का अपना हाथ से गोली मार, नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी कहेंगे हम। तू खाली अपनी फटी फटी आंखों से देखता रहे, कोई और लबलबी दबाएगा, कोई और उसको गोली मारेगा, तू अपनी फटी फटी आंखों से देखता रहे बस, उसको तड़पता देख, तड़पता देख। मर जाए, मर जाए, भले तू रो ले, दो आंसू बहा ले तू, वो क्या ना, आंसू बहाने से थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा तेरा। माँ को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, कोई दूसरा बोलता ठीक है, माँ को नहीं बोलना चाहिए था। मैं मनहूस, माँ को नहीं बोलना चाहिए। माँ को नहीं बोलना चाहिए, मेरी नूडल वाली टीमी गई, दिव्या का भी बच्चा पाइस निकला, मैंने खाया उनको। मैं मनहूस हूं, कैसे अब्दुल? तो कांच नीचे। मेरी क्या गलती है? निकला अब्दुल, अंदर आके बैठ, बुलवा रहे हैं। आया आया अब्दुल, गाना बंद कर, गाना बंद कर, वो आ रहा है अब्दुल। कैसा बेसुरा आदमी है यार, लता भाई इतना अच्छा गा रही है और तू कहता है गाना बंद कर। Ah!
मेरी माँ बोलती है ना तो वो तो मेरी माँ यार, वो कुछ भी बोल सकती है, वो माँ है मेरी। ये तेरा गिरजा कैसे बोलता है, फटी फटी आंखों से देख कैसे तड़पता है। हलवा है क्या? हलवा है, हलवा है। जा जाके बोल उसको, चल भीड़ चल, आजा बोल, चल आजा। रुमाल है क्या तेरे पास? हाँ। ये लता भाई भी क्या गाती है यार, जिंदगी आसान बना देती है। कभी माँ बन जाते है, कभी बहन बन जाते। तेरे को तेरे माँ बाप का नाम मालूम है क्या? हाँ। मेरे को नहीं मालूम। माँ ने नहीं बोलना चाहिए था इसे, माँ ने नहीं बोलना चाहिए। भाई शमशेर, एक तुम ही तो वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो जिसकी हम इज्जत करते हैं। हाँ मैं बच्चे से बात कर लेता हूं, फिक्र मत करो। हाँ अच्छा, जय हिंद जय हिंद। भाई हमने शमशेर से बात कर ली है, अब्दुल और गैरी अपने आप को कानून के हवाले कर दें, बाकी हम संभाल लेंगे। अंदर कोई टेंशन मारेंगे मारेंगे तो नहीं? अरे भाई जब हमने कहा कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी सजा होगी खानापुरी के लिए, लेकिन उन दोनों को हमारा साथ देना होगा। ठीक है, प्रणाम। बस एक बात का ध्यान रखना, अब्दुल से या तो शमशेर को या तुम्हें खुद बात करनी होगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलता हूं। मेजर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब्दुल बड़ा टेढ़ा आदमी है। हाँ कल हमारी बहन टीनी की बरसी है, अब्दुल कह रहे कि कब्रों पे फूल चढ़ाने के बाद वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगा। अब्दुल खुद बोल रहा है? अब्दुल, अब्दुल एक मिनट, एक मिनट। गंगू, गंगू मैं आई। अरे मेरा येड़ा बेटा है ना अब्दुल, हाँ थोड़ा उल्टी खोपड़ी का है मगर है बड़ा दिल का सर, उसका ख्याल करना बेटा। और तू कल घर आएगा ना, हाँ तो चावल नारियल और फ्रूट्स लेके आना। हाँ सनम का सातवां महीना है ना, पांच सुहागनों को बुलाकर मैं उसकी गोद भर दूंगी। हाँ गजरा भी लाना, तू जब तक नहीं आएगा ना मैं तेरी राह देखूंगी। हाँ घर से बाहर नहीं निकलने वाली। हाँ तू आएगा ना? हाँ मैं आऊंगा। अब्दुल भाई ये लीजिए। गैरी तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। खाई तो रहा हूँ। अरे अंदर जाना है ना, भूखे रहने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे बस करना यार, तू गंगू अपना वेट कर रहा है। शुक्र है मौला, एक बार तुम्हारे हाथ का खाना खाना था, खा लिया, अब क्या? अब अंदर 10-20 साल पत्थर भी खिलाएंगे कोई वांदा नहीं, मालूम नहीं कितने साल। अब्दुल भाई इतनी छोटी सी दूरी से गंगू इतने बेचैन हो गए थे, अब इतने लंबे अरसे के लिए चले जाएंगे तो पता नहीं उनका क्या होगा। हाँ उस हजाम को पता चलने दो, अकेले रहने का मजा क्या होता है। 5 साल अंदर था, हमने क्या गोटी खेली थी। हाँ वो बच्चा पैदा होगा तो उसे हमें मिलाने जेल में कभी नहीं लाना। हाँ उसकी फोटो जरूर भेज देना, और वो जो दीवार पे हमारी फोटो है ना उसे निकालना मत कभी। उसको बोलना ये तुम्हारे चाचा हैं, काम के लिए परदेश गए हुए हैं, वो भी खुश हम भी खुश, लगेगा कि हम यतीम नहीं हैं। अब्दुल कहाँ जा रहे हो? भैया ने बुलाया, गंगू और माँ भी वहीं पर है। मिलोगे नहीं? अरे भैया मिल लो, फिर पता नहीं बाद में मिलना हो या नहीं हो।
तुम्हारे कहने पर हम पिछले 5 घंटे से यहां इंतजार कर रहे हैं कि अब्दुल आएगा, वो अभी आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। पता नहीं किसका कसूर है, तुम्हारे बचपने का या मेरी बेवकूफी का। इस लाला की दोस्ती ने तो सब, निहाल सिंह ने जो नंबर दिए थे मैंने एक्सचेंज से इंक्वायरी की, सब आउट ऑफ ऑर्डर है। अब फोन आउट ऑफ ऑर्डर है गंगू, बात समझने की कोशिश करो, बहुत चालाक है, वो नहीं आएगा। गैरी के बारे में मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब्दुल, अर्जा, ये बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं? Oh my God, this is crazy. मैं घर जाके आता हूं। एक घंटा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देता हूं। आज अब्दुल और गैरी अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। वो सरकारी गवाह बनकर तमाम काले धंधे करने वालों की पोल खोल देंगे। मैंने हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम किया है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में आप सबका साथ दिया है, और आज आप सबको मेरा साथ देना है। अगर उन दोनों ने पुलिस के सामने अपनी जबान खोल दी तो मेरी पोजीशन बहुत अजीब हो जाएगी। कैसी बातें करते हो चीफ मिनिस्टर साहेब, हम तुम्हारे एक भी बाल पर आंच नहीं आने देंगे। हाँ बोलो। अब्दुल और गैरी को हम लेकर आ गए, ऊपर ले आए। रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? अब्दुल और गैरी को हम लेकर आ गए, ऊपर ले आए। नहीं नहीं नहीं, अभी उनको थोड़ी देर नीचे विश्राम करने। हाँ मत। तुम्हारा दोस्त गंगू कब्रिस्तान में इंतजार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि अब्दुल लो से कैसे उल्लू बनाया। गिर जा, गिर जा, बोला मार दो, मैंने तेरी बहन को नहीं। आई, 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 मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उठा होता रे बोरा तू, मेरे को इस घर से बाहर लेके जाने वाला था ना। आई, आई, मैं तेरी जिरा देख रही थी। चल
तुम्हारी माँ का काम तमाम हो गया। बहुत कुचली थी ना गैंग। अब बचा तुम दोनों का फैसला, सोच लो अभी भी क्या करना है। किसी के कान के पीछे जाके ऐसा सो मत, तकलीफ होती है। इस वक्त यहां क्या काम? तुम एक काम करो, ऊपर जाकर फौरन मिस्टर मेहरा को इन्फॉर्म करो।
बैठ बैठ। तेरे बच्चे इस धंधे में हैं? नहीं। तेरी बीवी इस धंधे में है? नहीं। तेरी माँ इस धंधे में है? नहीं। हमने छुआ उनको? नहीं। छुआ? धंधे के कुछ उसूल है। तेरे बच्चे हमारे बच्चे, तेरी बीवी हमारी भाभी, तेरी माँ हमारी माँ, फिर भी तुमने हमारी माँ को मारा, मारा तुमने हमारी माँ को मारा। सही किया गलत किया? नहीं बोल, सही किया गलत किया? बस गलत, गलत नहीं, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आज मैं फिर यतीम हो गया। पहले तू देख, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। तेरी जगह मैं होता ना तो छोड़ देता। शायद, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूं। I'm a bastard. ये मेरी माँ के लिए, ये दिव्या के लिए, ये मेरे बच्चे के लिए। Thank you.
सब, मेरा सब कुत्ता, सब मिले हुए। ले वैसे एम्बुलेंस, अस्पताल ले जाओ, ले जाओ मुझे, नहीं तो नहीं। गंगू, गंगू, तू ठीक तो है ना? देखा ना, कुछ नहीं हुआ इसे अब्दुल, कुछ नहीं हुआ। तेरे को कुछ हुआ ना सारा दुनिया को उड़ा दूंगा। टाइम खलास अब्दुल। ए बकवास बंद कर यार। अरे तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। तेरे को याद है, हम लोग को याद है, मेरा सपना याद है। हाँ, तेरा छोटा सा सपना, छोटा सा घर, छोटा सा आंगन, छोटे छोटे तीन चार बच्चे, अपन को मालूम है, सनम पेट से है, अपन मिल के आए उसको। अपन ये लफड़े का धंधा बंद कर देगा, अपने बच्चों को एकदम अच्छी जिंदगी देगा। शपथ, 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 खुदा कसम यार। कुछ नहीं हुआ उसको, वो बेहोश है, बेहोश हो गया। बेहोश तू काय कर रोता है, तू काय कर रोता है, वो बेहोश है। ए ए गंगो, गंगो, ए गंगो, अब्दुल निहाल गैरी, बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, तुम लोग यहां से भाग नहीं सकते। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। तुम लोग अपने हथियार डालकर बाहर आ जाओ। हम तुमको आखिरी वार्निंग देते हैं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अपने हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ। बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह आखिरी वार्निंग है, बाहर आ जाओ। बुराई को खत्म किया है, चाहे उसका एक हिस्सा ही क्यों ना हो। गंगू भी तो यही कहते थे कि आने वाले खूबसूरत कल के लिए हमें अपने आज के गुनाहों को खत्म करना ही है। काश वो आज यहां होते। परवरदिगार का मसलियत है बेटी, सब परवरदिगार का मसलियत है। देखो ये गंगू का कल है। अरे बाबा, अभी तुम ये जहरीला खिलौना को छोड़ दो, कलम और किताब से दोस्ती करो, क्योंकि कलम का ताकत तलवार से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। खुदा हम सबको नेक तौफीक अता करे। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज।
भाई के साथ और कौन है? वो है अब्दुल चाचा, वो है निहाल चाचा और वो है गैरी।